चलिए दोस्तों, इसके पहले के वीडियो हमने OTR कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उस पर बताया था। उसके बाद हम कैसे पोस्ट फाइंड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे सिलेक्शन पोस्ट के लिए, वो बताया था। अब इस वीडियो में हम फोटो कैसे लाइव अपलोड करेंगे और साइन कैसे रिसाइज करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पे आना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, फिर जो कैप्चा कोड दिया इसको डालेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 4-0 नहीं डाला, 3-0 डाला हुआ है, और लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप अप्लाई नहीं किए रहेंगे तो अप्लाई पे आएंगे, अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो माई एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है पेंडिंग अभी यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा है, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। सो हमने फिल कर रखा है इसके पहले वाले में। कैसे किया जाएगा, पोस्ट कैसे ढूंढेंगे, हमने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैप्चर जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर करा रहा है, ठीक। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लाइव कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप अलाउ करेंगे, देख सकते हैं ये हमारा जो है कैमरा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों हमें वाइट थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना है, जहाँ पे सही हो वहाँ पे हम फ़ोटो को जो है कैप्चर करेंगे। अभी हम इस समय अपनी कोचिंग में हैं, तो अब हम यहाँ पे फ़ोटो जो है कैप्चर करने जा रहे हैं। फ़ोटो आपको बढ़िया से कैप्चर करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं माइक को निकाल देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड के लिए माइक को हम लगाते हैं कहीं साइड में। तो अब देखिए मैंने माइक को निकाल दिया है। अब आपको फोटो जो है कुछ इस तरह से लेना है, ध्यान देना है, सीधे एकदम सामने की तरफ आपको देखना है, और इसके बाद नीचे कैप्चर जो बटन दिया गया इस पर क्लिक करना है। फ़ोटो का ज़्यादा हिस्सा आपका चेहरा होना चाहिए, लगभग 3/4। तो यहाँ पे हम सामने देखते हुए फ़ोटो को क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह से आया है। अगर आप संतुष्ट हों फ़ोटो से तब तो ठीक है, आप अपलोड करें, अदरवाइज आप दूसरा फ़ोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोटो सही है, तो हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो जो है सही से अपलोड हो चुका है। इसलिए लाइव फ़ोटो इस बार ऑप्शन दिया गया है। अब हम यहाँ पे सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे। तो एक बार फिर से हम अपने माइक को अपनी जगह पे सही से लगा लेते हैं। अब हम सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों अपनी गैलरी में चलते हैं, और हमने देखिए सिग्नेचर, अभी ये सिग्नेचर हमने जो है फ़ोटो खींचा हुआ है, आपको भी इस तरह से कर लेना है और इसे क्रॉप कर लेना है। अपने फ़ोन में ही क्रॉप कर सकते हैं, आपके फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर दिए होते हैं क्रॉप करने के लिए, ठीक। और छोटा करना है तो आप इधर से छोटा भी कर सकते हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, सॉरी ये तो मिरर का है, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा रोटेट करने का, यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे, ठीक। तो हमारा सिग्नेचर जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा फिल्टर उल्टर लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं, फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। थोड़ा बहुत वाइटनेस जो है ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप ट्राई करिएगा और फोटो जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्ट ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो ये फ़ोटो का कंट्रास्ट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है साइज़ की, यहाँ पे साइज़ पहले चेक करते हैं कितनी साइज़ है। ये तो 46 KB का है, लेकिन फॉर्म में जो है इसका साइज़ मांगा गया है
वो मांगा गया है 20 KB का, तो इसे कैसे रिसाइज करेंगे ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे गलती तो करने जा रहे थे, चलिए यहीं से हम कर लेते हैं, यहाँ से एक हम नया टैब बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमने इसे गूगल से ओपन कर दिया है, एक साथ दो चीज़ें नहीं हो सकती, तो अब हम इसे किसी दूसरे ब्राउज़र से ओपन करते हैं, देखते हैं मेरे पास अन्य कोई ब्राउज़र है या नहीं। तो ओपेरा है हमारे पास, चलिए ओपेरा से ट्राई करते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम डालेंगे imresizer, ठीक, imresizer.com इस वेबसाइट का नाम है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा, अपलोड फाइल करनी है, ठीक, यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे वाइल यूजिंग द ऐप, और यहाँ से हम जाएंगे सिकेट, यहाँ पे देखिए आपको आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं यहाँ थ्री डॉट पे जाके नीचे से आप गैलरी चूज कर लीजिएगा, गैलरी में आपको फ़ोटो जो है मिल जाएगी, तो यह सिग्नेचर हमने गैलरी से अटैच कर लिया है, ठीक। अब आपको यहाँ पे साइज़ देखना है क्या क्या मांगा गया है, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर इसकी यानी हाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में से चेंज करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ में यहाँ पे हम 20 डाल देते हैं क्योंकि मैक्सिमम 20 ही मांगा गया है, देख लीजिए एक बार, हाँ 20 के भी मैक्सिमम मांगा गया है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा, DPI का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है तो DPI हम नहीं सेट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो है फ़ोटो रिसाइज होके डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डाउनलोड कर देते हैं, रिनेम चाहे यहीं पर रिनेम का ऑप्शन आ रहा है तो रिनेम भी कर लीजिए, ठीक, यहाँ पर आप कुछ भी डाल के इसको सेव कर दीजिए, नोटिफिकेशन को हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है, अब हम चलिए इसको अपलोड करते हैं, तो अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया है मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला ही होगा, तो देख लेते हैं एक बार, देखिए हो चुका है ये सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब हम चलते हैं ओके बटन पर क्लिक करते हैं, पूरा फॉर्म का प्रीव्यू हमारा यहाँ पे दिखने लगा है, अब आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आप श्योर हैं कि हाँ हमने जो डिटेल सब फिल किया हुआ है ये हमारा सब कुछ सही है, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे आता है चेक बॉक्स का ऑप्शन, देख सकते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको फिल करेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, पेमेंट पेंडिंग, ठीक, तुरंत कंटेंट वैसे ही वेरीफाई नहीं होता है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट काट देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे पे जाने लगा है, तो पेमेंट आप गूगल पे फ़ोन पे किसी से भी कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन, देखिए यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया गया है, UPI पे क्लिक करेंगे और किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन करके भी कर सकते हैं, देखते हैं स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है QR कोड, तो आप अगर अपने फ़ोन से करना चाहें तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे के फ़ोन से भी आप स्कैन करा के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वर एरर की वजह से कट गया है। तो ऐसा करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से फ़ोटो साइन को हम लाइव अपलोड करेंगे, बाकी कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।